हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि बच्चों को जो है आपको गमी विटामिन्स जो आते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो आपको बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एंड उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड अगर आप बच्चों को फिर भी वो देते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एंड कब आपको देना चाहिए गमी विटामिन्स और किन बच्चों में आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में मैंने बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड वीडियो से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि पता चलता है कि इस टाइप के वीडियोज़ आपको पसंद आए या इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी। देन सबसे पहले आता है कि गमी विटामिन्स होते क्या हैं। तो आजकल यूजुअली गमीज के नाम से आ रहे हैं और जेली टाइप भी होते हैं काफ़ी, तो उसमें क्या रहता है यूजुअली जो मार्केट में बताते हैं कि इसमें जो है काफ़ी जो है बच्चों के लिए मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, काफ़ी अमाउंट में विटामिन्स रहते हैं, तो लोग अपने बच्चों को देते हैं क्योंकि स्पेशली बच्चे जो हैं काफ़ी आजकल जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं या फजी ईटर्स हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो बच्चे ने खाना नहीं खाया है तो एटलीस्ट जो विटामिन का सप्लीमेंट है उसके फॉर्म में यूजुअली बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चों को भी ऑब्वियसली टैबलेट सिरप ये नहीं पसंद आता है, और ये जो है एक कैंडी टाइप है तो बच्चे जो हैं इसको एज अ चॉकलेट जो बच्चों को अच्छा लगता है वो बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छे इजीली खा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि आपको कब देना चाहिए या कौन सा एज लिमिट है, तो यूजुअली गमी विटामिन पर काफ़ी उस पर मेंशन रहता है कि ये जो है 4 to 12 ईयर्स के एज में है, ठीक है, और 2 ईयर्स से बिलो तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है एट एनी कॉस्ट, एंड 2 to 4 ईयर्स जो रहते हैं वो भी नहीं देना है। तो सबसे पहले तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द गमी विटामिन्स है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्चुअली ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड्स का जो है कंटेंट अलग रहेगा थोड़ा बहुत, तो जस्ट एक ओवरऑल मैंने बताया है। तो सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट है कि मोस्टली ये जो रहते हैं काफ़ी शुगरी रहते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्कर रहती है, बहुत मीठे रहते हैं, तो वो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के टीथ के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों को कैरीज होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये काफ़ी स्टिकी भी रहते हैं, यूजुअली दांतों में चिपक जाते हैं, तो जो है इससे और कैविटीज़ बढ़ने का चांसेस रहता है, तो इन केस अगर आपके बच्चे कुछ भी इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो आपको जो है उसके बाद ब्रश जरूर कराना चाहिए, स्पेशली रात को या जब भी खा रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ कि क्या आप हमेशा कंटेंट चेक करते हैं गमीज़ का या आप जो भी दे रहे हो बच्चे को, कि उसमें कितना विटामिन था, कितना मिनरल्स था, एंड लोग यूजुअली बोलते हैं कि आयरन की वजह से दिया, एंड इनफैक्ट कुछ गमीज़ हैं जिसमें आयरन होता ही नहीं है, तो पहली बात तो आप कंटेंट चेक नहीं करते हो, ठीक है, एंड अगर आप चेक भी करते हैं तो उसके बाद क्या रियली आपके बच्चे को इतना न्यूट्रिएंट्स चाहिए था या आपका बच्चा रियली इस न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है, क्योंकि हर विटामिन्स की डेफिशिएंसी के साइंस अलग रहते हैं, मेरे विटामिन्स के ऊपर आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम सबके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इन केस अगर आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर विटामिन का कोई डेफिशिएंसी होता है, तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं आपको डॉक्टर से पूछ के ही कि क्या आपके बच्चे को रियली कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। अगर बच्चा नॉर्मली अच्छा खाना खा लेता है, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाता है, बच्चे को कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो रियली उन बच्चे को जो है कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन इन केस फिर भी अगर आप देते हैं या कभी आपने दिया, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल मत दीजिए, बट इन केस आप देते हैं तो आप जो है एक अच्छे ब्रांड का ही लीजिए, एंड उसका कंटेंट ज़रूर चेक करिए कि उसमें क्या है, कितना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्सेस इज़ ऑल्सो हार्मफुल, ओके, एक्सेस में भी अगर आप कोई पर्टिकुलर विटामिन देते हैं, इनफैक्ट बहुत ही रेयरली, इतना कॉमन नहीं है, केस जो हैं रिपोर्ट्स भी हैं कि गमीज़ के ओवर ईटिंग से जो है टॉक्सिसिटी हो गई थी, क्योंकि स्पेशली क्या है ये इतना टेस्टी होती है, ये बच्चे जो हैं अगर आप गलती से बच्चे को कोई वो बोतल मिल गई, यूजुअली वो बोतल में काफ़ी आती होंगी, 50 100 रहती होंगी, तो गलती से अगर बच्चे को मिल गई तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है कि अगर आपके घर में गर्मीज हैं तो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं आप उनसे वो दूर रखिए कि बच्चा जो है एक्सेस अमाउंट में ना खा ले। क्योंकि अगर आप न्यूट्रिएंट एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट भी कोई चीज़ देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक देंगे या दो देंगे दिन में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चा सपोज 10 खा लेता है या बच्चे को इतना टेस्टी लगा कि आपने देखा नहीं, बोतल बच्चे के पास हो गई, बच्चे ने 15-20 खा ली, तो वो जो है बेनिफिट्स की जगह वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है बच्चे के लिए। देन नेक्स्ट इज कि आप जो भी लेते हो उसमें चेक करके लीजिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर तो नहीं है, क्योंकि गमीज़ है तो शुगर तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ गमीज़ आती हैं जो कोटेड विथ शुगर भी रहती हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर रहता है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। देन ब्रश कराने का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चा जो है अगर गमीज़ और ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ब्रश ज़रूर करें। एंड उसके बाद जो है कोई भी आप बच्चे के लिए सामान लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसमें कोशिश करिए कि उसका कंटेंट ये सब चेक करिए कि उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं हैं, काफ़ी सारे आर्टिफिशियल एडिड कलर्स फ्लेवर्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमको बच्चों को नहीं देना चाहिए वो तो नहीं है, GMOs और ये सब देख के ही आप बच्चों को दीजिए। तो आप ये सब देखना चाहिए आपको, सिर्फ गमीज के लिए नहीं बाकी फूड आइटम्स के लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, स्पेशली क्योंकि मैंने देखा आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग गमीज का जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।